दोस्तों, अगर आप अल्लू अर्जुन की सुपरहिट मूवी पुष्पा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल फिल्मी वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा। ये फिल्म कौन सी है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और इस फिल्म की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से करेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हदायतकारी शो कुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव रमेश, धनंजया, अनसुईया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के सीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बरोजिक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामूजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरोडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपये कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के सेशाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंद पा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपये फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है।
इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कुंडया और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनो के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्तिल होकर उसने श्रीनो के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। एमपी भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और श्रीनो के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैरमामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्रीवाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सो कुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुईया भद्रवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के सीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मैरोसोला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है।
फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और करदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल दी रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिला के सेशाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपये फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्तिल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP बूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके नस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मुतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं।
इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज़ करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्री वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तोहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर या फिर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विशा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सैनमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सेंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मैरोसोला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामूजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उनवान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंद पा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है।
पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और श्रीनो से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है। श्रीनो इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कुंडिया और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनो के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने श्रीनो के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। एमपी भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और श्रीनो के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है, जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्रीवाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सो कुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है।
जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव, रमेश धनंजया, अनसुईया भद्रवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन करदार अदा किए हैं। सैनमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बरोजिक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और करदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल दी रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिला के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपये फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहिदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP भूम रेड्डी सिद्दीपा नायडो ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके नस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है।
पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की सिरी वाली किसके साथ शादी से होता है जबकि शेखावत अपनी तोहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव, रमेश धनंजया, अनसुईया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सेंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बरोजिक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामूजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरोडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम श्रीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है।
कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है, पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि श्रीनु लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और श्रीनु से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपये फी टन का मुतालबा करता है। श्रीनु इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जॉली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जॉली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनु के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्तिल होकर उसने श्रीनु के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। एमपी भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और श्रीनु के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके नस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्रीवाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था।
200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हदायतकारी शो कुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुया भद्रवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बरोजिक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में COVID-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल दी रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिला के शीशाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपये फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहिदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्तिल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है।
सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेबी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की सिरी वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मैरोसोला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामूजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरोडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी
और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्मान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपये फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जॉली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जॉली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्रीवाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है।
इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी शो कुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव रमेश, धनंजया, अनसुया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सैनमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सेंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मैर्सोला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिला के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है, जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपये फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे।
गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियां टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनो के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने श्रीनो के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। एमपी भूमो रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और श्रीनो के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मुतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की सिरी वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैथिली मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैथिली मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुईया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के सीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मैरोसोला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई।
बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरोडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डब वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और करदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP भूमर रेड्डी से दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है।
ये शिखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्री वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शिखावत अपनी तोहिन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुईया भद्रवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के सीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मैरोसोला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिला के सेशाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कुंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफों से निकलता है और कोडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज्यादा कीमत पर बेच रही है, जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी मां लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी।
इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो उसे जिंदगी में बुलंद होने की तरकीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और श्रीनो से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है। श्रीनो इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंड्या और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनो के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने श्रीनो के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। एमपी भूमो रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और श्रीनो के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया। वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्री वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विशा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDB रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव, रमेश धनंजया, अनसुईया भदरवाज, अजय
और अजय घोष ने मुआवन करदार अदा किए हैं। सैनमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बरोजिक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामूजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरोडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबलशुदा वर्जन के साथ रिलीज़ हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियां टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्तिल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए
पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है, यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्री वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तोहिन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव रमेश, धनंजया, अनसुईया भद्रवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बरोजिक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल दी रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिला के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कुंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है। कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है,
गोविंद पा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। एमपी भूमर रेड्डी से दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके नस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया। वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्रीवाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है।
जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हदायतकारी शो कुमार ने की है। मैथिली मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव, रमेश धनंजया, अनसुईया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सेंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के सीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बरोजिक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामूजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरोडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के सेशाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है। कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जॉली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जॉली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियां टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्तिल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है।
पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सोहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैरमामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है, यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्री वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तोहिन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुईया भद्रवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक गोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मैरोसोला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल दी रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है।
ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिला के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कुंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफों से निकलता है और कोडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है। कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपये फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपये फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जॉली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जॉली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके नस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मुतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया। वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्रीवाली किसके साथ शादी से होता है जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है
जबकि कार्तिक या श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हदायतकारी शो कुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव, रमेश धनंजया, अनसुईया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सेंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बरोजिक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबलशुदा वर्जन के साथ रिलीज़ हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उनवान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के शेषाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंद पा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं
उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने श्रीनो के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। एमपी भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और श्रीनो के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के एसपी का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैरमामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्री वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सो कुमार ने की है। मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुईया भद्रवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सिंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मेरोसला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ हुई।
फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और करदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल दी रॉयल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिला के सेशाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कुंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदपा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है। सरीनू इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जॉली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जॉली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनू के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्किल होकर उसने सरीनू के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। MP बूमर रेड्डी से दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनू के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके नस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया। वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्री वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तोहीन का बदला लेने की मनसूबा बंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विशा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाई रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैथ्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। दोस्तों, पुष्पा एक 2021 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी सोकुमार ने की है। मैथ्री मूवी मेकर्स के जरिए मतमेस्टी मीडिया के तावन से इसे तैयार किया गया है। इसमें अल्लू अर्जुन ने फहद फासल और रश्मिका मंदना के साथ टाइटलर किरदार अदा किया है, जबकि जुगदेश प्रताप बंदारी, सुनील राव रमेश, धनंजया अनसुईया भदरवाज, अजय और अजय घोष ने मुआवन किरदार अदा किए हैं। सिनेमा के दो हिस्सों में से पहले फिल्म में सुर्ख संदल की स्मगलिंग सेंडिकेट में एक कोली के अरूज को दिखाया गया है। ये एक नायाब लकड़ी है जो रियासत आंध्र प्रदेश के शीशाचालम पहाड़ियों में उगती है। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक को कंपोज किया है, जबकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बिल तरतीब मैरोसोला कोबा बोरोजेक और कार्तिकीय श्रीनिवास ने की है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 अमराज की वजह से इसे रोक दिया गया था। फिल्म बंदी 2020 में दोबारा शुरू हुई और नवंबर 2021 में ख़त्म हुई। बुनियादी तौर पर हैदरा के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मेरुडली मिंगली जंगल में हो रही थी। पुष्पा दी राइज 17 दिसंबर 2021 को तेलुगु में, मलयालम, हिंदी, तमिल और कन्नड़ जबानों में डबल शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ हुई। फिल्म को नाकदीन से मिले जुले मिसबत जायजे मिले, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की कारकर्दगी और किरदार निगारी, एक्शन सीक्वेंस, डायरेक्शन और स्कोर की तारीफ की, लेकिन रन टाइम पर तनकीद की। पुष्पा तिजारती लिहाज से कामयाबी हासिल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म के तौर पर उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार होती है। पुष्पा 2 के उन्वान में एक सीक्वल द रियल प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों, पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि 1990 की दहाई में पुष्पा राज एक कोली है जो संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है। ये एक नायाब लकड़ी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिला के शीशाचलम पहाड़ियों में उगती है। जब DSP गोविंदपा इन पर जंगल पर छापा मारता है तो पुष्पा छुपाकर जखीरा बरामदी करता है। इस तरह अपने अजर को कोंडा रेड्डी का एतमाद हासिल कर लेती है। सुर्ख संगल की स्मगलिंग के लिए नए RDRs की मदद से वो तेजी से सफ़ों से निकलता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। मंगलम सरीनू एक बेरहम डीलर जो लाल चंदन के सिंडिकेट का इंतजाम करता है, कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को महफूज रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को नाअहल समझा जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंद पा ने इन पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने तमाम लॉग्स को उनके दरमियान में फेंक दिया और उसे पकड़े जाने से बचा लिया। एक पार्टी में पुष्पा ने सुना कि सरीनू लकड़ी उसे कहीं से ज़्यादा कीमत पर बेच रही है, जो उन्हें अदा की जाती है। वो कोंडा से मुनसिफाना हिस्सा मांगने को कहता है, लेकिन सरीनू के खिलाफ जाना खतरनाक मालूम होने की वजह से पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवाली से मिलता है और फौरी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उनकी मंगनी के दिन उनका सौतेला भाई मोहन पुष्पा के नस्ब की तरदीद करता है, क्योंकि वो शादी से पैदा हुआ था जबकि उसकी माँ लड़ाई के दौरान जख्मी हो गई थी। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है, जो उसे ज़िंदगी में बुलंद होने की तरगीब देता है। अगले दिन वो चेन्नई में लकड़ी स्मगलर करता है और सरीनू से मिलता है, जिससे वो अपने हिस्से के तौर पर 1 करोड़ रुपए फी टन का मुतालबा करता है।
सरीनो इनकार कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर काबू पा लेता है। इसके बाद वो खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए फी टन में फरोख्त करने का मुआहदा करता है, जिसे कोंडया और पुष्पा बराबर बांटने पर राजी होते हैं। जोली श्रीवाली को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने वालिद को कैद में रखते हुए उसके साथ एक रात गुजारे। गुस्से में आकर पुष्पा ने जोली को बुरी तरह से मारा पीटा, उसकी हड्डियाँ टूट गई। कोंडा ये जानकर पुष्पा अपने भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सरीनो के आदमी उन पर हमला करते हैं। उलझन के दरमियान पुष्पा पर जवाबी हमला करने का इंतजाम करती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जका रेड्डी को बचाता है। मुश्तिल होकर उसने सरीनो के बहनोई मंगलेशी को भी पकड़ लिया और उसे मार डाला। एमपी भूमर रेड्डी सिद्दीपा नायडू ने पुष्पा और सरीनो के दरमियान सुलह का बंदोबस्त किया और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का इंतजाम करने के लिए मुकर्रर किया। 6 माह के बाद पुष्पा एक बड़ी शख्सियत बन जाता है। सरोनी की अपनी भाभी से बदला लेने में नाकामी की वजह से उसकी बेवी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। जब पुष्पा अपने अरूज पर है, भंवर सिंह शेखावत अब एक बेरहम पुलिस ऑफिसर जिला के SP का चार्ज संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करता है। शेखावत ताहम पुष्पा को उसके निस्ब की वजह से डराता है और उनका मजाक उड़ाता है और उसे सर कहकर इज्जत नहीं देता। पुष्पा इस सौहिन से नाराज़ हो जाता है और अपना हाथ मिट्टी में बना लेता है, लेकिन शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां ना खोली तो वो उसके हाथ पर गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाता है, स्टेशन से निकल जाते हैं और गैर मामूली तौर पर उसकी तरफ मतवाजा और मती हो जाता है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, इस पर हकारत का इजहार करते हुए पुष्पा शेखावत का रिलेवर लेता है और अपने हाथों में खुद को गोली मार देता है। वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए शेखावत से पहली मुलाकात में उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, वो शेखावत को कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, जबकि वो भी ऐसा ही करता है। पुष्पा का कहना है कि अगर वो उस तरह के हालात से गुजरे तो हर कोई उसकी इज्जत करेगा, जबकि शेखावत अपनी पुलिस की वर्दी के बगैर कुछ भी नहीं, इस हद तक कि अगर वो बरहना और उसका कुत्ता भी उसे पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए रवाना हो जाता है, जबकि शेखावत नीम बरहना हालत में घर वापस चला जाता है। जैसा कि पेशन गोई की गई है कि उसका कुत्ता भी उस पर भौंकता है। यह शेखावत को नाराज करता है, जिसमें वो कुत्ते को मारता है और पुष्पा की तरफ से दी गई रिश्वत की रकम को जला देता है। फिल्म का इख्तिताम पुष्पा की श्री वाली किसके साथ शादी से होता है, जबकि शेखावत अपनी तौहीन का बदला लेने की मनसूबाबंदी करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुष्पा मूवी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon प्राइम वीडियो पर या फिर Netflix पर देख सकते हैं। दोस्तों, पुष्पा मूवी को सोकुमार ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म के राइटर भी सोकुमार हैं। पुष्पा मूवी के डायलॉग को सक्रांत विसा ने लिखा है। इसके अलावा इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनैनी और वाय रविशंकर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फैसल और रश्मिका मंदना आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मर्सोला कोबा बोरोजेक ने की है, जबकि कार्तिकिया श्रीनिवास रोबन ने इस फिल्म को एडिट किया है। इस फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज किया है। इस फिल्म को मैत्री मूवीज मेकर्स और मोटा मेसेट्टी मीडिया के बैनर थले प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 179 मिनट है। ये एक तेलुगु जबान की फिल्म है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। 200 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 365 करोड़ रुपए की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 69,000 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। तो दोस्तों, ये था पुष्पा मूवी की स्टोरी का रिव्यू और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।